गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, और मेरे साथ आ जुड़ के अनवर भाई, शौकत भाई और उस्ताद जी हैं यहाँ पे, वो देख लो। तो आगे हम सौदा में, तो यहाँ पोजीशन बहुत ख़राब है भाई, यहाँ गाड़ियाँ इतनी हैं, इतनी गाड़ी है कि पूरा पंजाब कश्मीर जम्मू यहाँ के अजमल सेठ के पास ठप होके बैठा है भाई। तो हम भी आए हैदराबाद से, वहाँ से कोई माल मिला नहीं, दो दिन वहाँ भी वेट किया है। हमने सोचा वहाँ से डायरेक्ट भर के चला जाएंगे, लेकिन कुछ माल नहीं मिला। तो अभी फ्रेश वगैरह हुए नहीं हम, तो अभी सो गए थे रात को 10-11 बजे। तो अभी जाते हैं बाथरूम फ्रेश वगैरह होके, और आपको हम पूरा व्यू यहाँ का गाड़ियों का दिखाएंगे कि मेरी कितनी गाड़ियाँ हैं, हज़ारों की तादाद में आज मेरे ट्रक हैं। तो चलो जुड़े रहो वीडियो में, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक शेयर और भाई को सपोर्ट करो। तो जुड़े रहो वीडियो में। तो भाई दिन के बज गए 12, तो अभी मैं वसीम भाई की गाड़ी में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे राजा वसीम व्लॉग्स को। भाई को सब जानते हैं, जिसने भी जाना नहीं है वो अब जानेगा भाई। तो वसीम भाई मिल गए मुझे यहाँ पे अचानक से। तो सुबह सुबह मैंने देख लिया वसीम भाई क्या कर रहे हैं यार, तो चलो मैंने सोचा वसीम भाई से मिलते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाई को यार आप जानते ही होंगे, तो वसीम भाई आप कैसे आ गए यहाँ पे, कहाँ थे? मैं घर से भर के गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र के लिए से, वहाँ से अभी आ गए यहाँ पे। आप करनी है यहाँ से लोडिंग सीधा श्रीनगर के लिए। आप शायद हैदराबाद में थे ना? मैं हैदराबाद से आया। चलो चलो, मुझे परसों मुझे लगा था, मैंने व्लॉग थोड़ी से देखे आपके, आप हैदराबाद में थे ना, तो उसके बाद सोचा शायद आप आओगे, शायद ही आप आओगे इधर। तो आप आ गए ना, बहुत ही खुशी हुई अंदर से कि आप आ गए इधर। अब यहाँ से हम इकट्ठे जाएंगे वापस श्रीनगर के लिए, बनाते बनाते बहुत ही मजा आने वाला है आगे आगे। इसलिए भाई की चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब मिलने चाहिए और लाइक मिलने चाहिए। तो भाई बाकी कितने सब्सक्राइब होने पर आप पार्टी वार्टी दोगे? उतनी टारगेट रखेंगे फिलहाल 10K रख दो। 10K, चलो 10K इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उसके बाद पार्टी भी हो जाएगी, आप भी दो देख लोगे आराम से आगे आगे। मेरे लिए 10K भी बड़ा है यार। 10K, चलो कोई बात नहीं, मतलब उम्मीद रखनी थी, क्या करना है ना। सही बात है। तो चलो करेंगे कोशिश फिलहाल यहाँ से लोडिंग करने के लिए, और यहाँ पे अभी अपनी गाड़ी में भर रही है चावल, मतलब लंच का इंतजाम हो रहा है, करेंगे थोड़ा सा मस्ती वस्ती आगे है। फिलहाल आप आज दिन के लिए भी हम इकट्ठे, और कल दिन देखेंगे लोड हो जाएगा कि नहीं, है ना भाई? सही है भाई। भाई की चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट जरूर करना भाई को। शकील भाई बहुत ही मेहनत करता है, बहुत मेहनत। चलो वसीम भाई बैठे हैं अभी, आप हैं, खाने की तैयारी होगी? खाना हो गया आप लोगों का? बस अभी करेंगे अब लंच। अच्छा। फिर मैं आऊंगा वहीं पे, थोड़ा सा घूमेंगे होंगे और वहीं पे करेंगे, फिर बाद में बातें हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। बोला था ये भी खाने को यार। बस थैंक यू, आओ आप मेरे पास खाओ। ओके, ओके, मेरी गाड़ी में आओ यार, आना बाद में। चलो मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, अभी खाता हूँ खाना वगैरह, तो मिलेंगे वसीम भाई से बाद में, करते हैं और काफी सारे अभी खाना। और ये अनवर भाई की गाड़ी से सब्जी लाई, और वहाँ पे अपनी अपनी सब्जी, चावल और आलू, जीरा, पानी, तो वो रही अनवर भाई की गाड़ी पार्ली साइड में। तो चलो खाते हैं खाना, जुड़े रहो वीडियो में, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो भाई। आप देख सकते हैं सौदा में कितनी गाड़ियाँ हैं आज, और यहाँ पे अपनी गाड़ी है, देखो भाई कितनी गाड़ी है, सब पंजाब JK। ये तो मतलब अंदर अंदर पार्किंग वाली साइड में, यहाँ से अंदर उस साइड में दूसरी पार्किंग है, वहाँ पर भी इससे ज़्यादा ट्रक से। और ये रहा अजमल सेठ का घर, तो मतलब इसके इर्द गिर्द पूरी पार्किंग है ट्रकों के लिए रखी हुई, और अपनी ट्रांसपोर्ट भी यहीं पे साइड में। और एजाज भाई कर रहे हैं अभी तेल पलटी, जो कि उस वाली साइड में मतलब दूसरा टैंक लगा हुआ है, वो मोटर से इस टैंक में पलटी होता है, और ये टैंकी कनेक्ट है इंजन से। तो गर्मी भी काफ़ी सारी है भाई। सौदा डायमंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, यहाँ से अंदर है भाई कंपनी, अंदर जाते हैं वहाँ पे, सुबह सुबह गाड़ियाँ लगती हैं, और यहाँ पार्किंग वगैरह, यहाँ इसके पीछे कांटा वगैरह है सब कुछ, होटल, चाय वगैरह। और ये वाली पहली वीडियो मैंने दिखाई, पहले
शॉर्ट में, यहाँ भी एक छोटी पार्किंग है देखो। तो राजा रमीज की गाड़ी में मैं फिर से आ गया हूँ, राजा वसीम सॉरी। तो देखो भाई, मैं अभी सौदा में ये भी मिल गए तो, लेकिन मुझे भाई मैं दिल से सच्ची कह रहा हूँ यार, ये नहीं कि झूठ वूठ कुछ नहीं, अल्लाह की कसम, राजे भाई के प्यार ने मुझे फिर से बुलाया। तो मैं फिर से आ गया राजे भाई की गाड़ी। अगर राजे भाई गुस्सा ही करता हूँ होंगे, आप अंदर से गुस्सा करते हैं कि ये भाई क्यों बार बार आ गए। अच्छा फील हो रहा है कि आप आ रहे हो, मैं सोच रहा था कि हम जाएंगे उधर। कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना राजे भाई ने मुझ पर गुस्सा किया या मैं इसके प्यार से आया। ठीक है, मुझे इसके प्यार ने बुलाया यहाँ पे, मैं फिर से आया। तो चलो कर रहा था वहाँ जाने के लिए आप। तो अभी मैं राजे भाई के साथ फिर से बैठता हूँ, दो चार यार बातें करता हूँ, मुझे प्यार है दिल से यार, आप दिल की तो तसल्ली आनी चाहिए ना। चलो वीडियो तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं अब दिल से बात करूँगा। तो चलो जुड़े रहो वीडियो में। तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि मैं इसके प्यार से आया या ये गुस्सा कर रहे हैं अंदर से। प्यार से तू चली मुझे छोड़ के फिर ना कभी मिलेगी, कितनी सुंदर सुंदर लगती थी, कितनी अच्छी तू चली मुझे। तो फाइनली दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो हम भी अभी बैठे हैं अपने ट्रक में। तो दिन भर क्या किया यार, ऐसे वसीम भाई के साथ बाहर थोड़े बातचीत की बातें बैठे रही है वो, तो बस इसी तरह टाइम पास हो गया। तो अभी लोडिंग का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है भाई, तो देखते हैं अब कल क्या होगा। अगर इकट्ठे लोड हो गए वसीम भाई की गाड़ी के साथ तो चलेंगे और व्लॉग बनाते बनाते जाएंगे। तो और सबसे एक अच्छी बात, अभी अनवर भाई नमाज पढ़ रहे थे ट्रक में। ऐसा नहीं है ट्रक लाइफ में भी कि कहीं भी जाओ चाहे नमाज हो, पूजा पाठ हो, कहीं भी अपनी गाड़ी में भी अच्छी तरह बंदा कर सकते हैं। और अनवर भाई को मुबारक मेरी तरफ से यार, मैं नीचे से आया गाड़ी में, जैसे मैं बैठा मैंने अनवर भाई को देखा नमाज़ पढ़ते हुए, यार अल्लाह ने अच्छी तौफीक दी। और अनवर भाई ज़रूर हमारे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह हमको भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो क्या पता यार, किसी की दुआ भी ना कामयाब हो जाती है और अल्लाह ऊपर वाला सुन लेता है। तो चलो इसकी नमाज़ पढ़ने से अच्छा लगा, तो अल्लाह हमें भी अच्छी तौफीक दे और आप सभी को ऊपर वाला अच्छी तौफीक दे, अच्छे काम करने की तौफीक दे। और इसके साथ ही भाई हम आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त शकील ब्लॉग इसको, अल्लाह हाफिज़।